नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क, और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने की बैठक, नए वेरिएंट पर भी चर्चा। एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सीएम खट्टर। परमवीर सिंह की कम नहीं हुई मुश्किलें, थाने में घंटों तक चली पूछताछ, पुलिस सेवा नियमों के तहत हो सकती है कार्रवाई। भारत को समिट फॉर डेमोक्रेसी का मिला निमंत्रण, वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में ले सकते हैं हिस्सा। वाराणसी की तरह लखनऊ में भी बैलून फेस्टिवल, 5 दिसंबर से गोमती रिवर फ्रंट पर कराने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में ढेर हुआ एक नक्सली, हथियार बरामद, सीआरपीएफ ने दी इसकी जानकारी। तीसरी लहर की आशंका के बीच बूस्टर डोज के लिए सरकार पर बड़ा दबाव, 121 करोड़ के करीब पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। इसरो के अंतरिक्ष अभियान पकड़ेंगे रफ्तार, 2022 से शुरू होगा गगनयान मिशन। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर सरकार की पैनी नजर, विदेशी यात्रियों पर बढ़ाए पाबंदियों का दायरा, भारतीय विशेषज्ञों ने दी है सलाह। नीति आयोग की पहली एमपीआई रिपोर्ट जारी, बिहार, झारखंड और यूपी सबसे निर्धन राज्यों में शुमार, जाने दिल्ली का हाल। राजनीति से परे हटकर की जाए अफगान आवाम की मदद, जयशंकर ने चीन और रूस के साथ आने का किया आह्वान। संसद में सोमवार को पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल, सरकार ने लोकसभा की कार्यसूची में डाला। दुनिया की पहली डीएनए और सुई रहित वैक्सीन देश में इस्तेमाल के लिए तैयार, जायकोव डी की लाख से ज्यादा डोज रिलीज। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, कोविड से जान गंवाने वाले परिजनों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। पंजाब के सरकारी स्कूल में कोरोना का कहर, कई छात्र संक्रमित, स्कूल हुए बंद। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, एसआईटी ने 114 जांचों को पूरा कर दोषियों पर कसा शिकंजा। प्रयागराज हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा, बोली मैं न्याय की लड़ाई में साथ हूं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, दर्ज कार्रवाई एफआईआर। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रयागराज दौरे में भाजपा के कार्यों का किया बखान, कांग्रेस पर किया तंज। मेरठ में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, विदेश से आए 300 यात्रियों की होगी जांच।
आगरा में एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाली वाटिका में हुई कॉन्फ्रेंस। अलीगढ़ में आरएलडी युवा ने किया पलटवार, राज्य मंत्री के बयान पर बोला हमला। अलीगढ़ में किसान नेताओं ने किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम ने बदला रामघाट मार्ग का नाम, कई योजनाओं का किया शिलान्यास। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, छावनी में तब्दील हुआ स्टेशन। अयोध्या में सामूहिक विवाह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, लोगों से सहयोग की सीएम योगी ने की अपील। बलरामपुर में देवीपाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी, महंत महेंद्र नाथ की पुण्यतिथि पर पहुंचे योगी। फतेहपुर में वृद्धाश्रम में मनाया गया जन्मदिन, पूर्व शिक्षा मंत्री के नाती ने मनाया जन्मदिन। फतेहपुर में तेज रफ्तार ने बरपाया कहर, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की हुई मौत। फतेहपुर में यातायात महासप्ताह का हुआ आयोजन, पुलिस ने पैदल गश्त किया, वाहन चालकों का जागरूक। रामपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर गिरोह का किया गिरफ्तार। आगरा में भाजपा पर बरसे पूर्व राज्यपाल, सभी पार्टियों के साथ आने की अपील की। अलीगढ़ आया लिम्का बिग कॉफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जनपद का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज। बुलंदशहर में चाकू से गोद कर हुई युवक की हत्या, मजदूरी करके घर जा रहा था युवक। फतेहपुर में दो पक्षों में जमकर विवाद में दो लोग हुए घायल। संबल में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सुल्तानपुर में हत्या से हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जारी हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन ताजमहल सैंपलिंग के निर्देश। सांसद खेल स्पर्धा में बालिकाओं का रहा जलवा, खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आजमगढ़ में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, 8 साल से खाली है फिजिशियन का पद, शिकायत के बावजूद नहीं हुई भर्ती। बिजनौर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, बसपा ने घोषित किया अपना प्रत्याशी।
फतेहपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन, सैकड़ों समर्थकों महोबा के लिए रवाना हुए। हरदोई में ग्राम प्रधान ने जलाई युवक पर गोली, लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। फतेहपुर में जिले में ओवरलोड मोरंग लदे ट्रकों का आवागमन जारी, प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही चेकिंग, ट्रक मालिकों से मचा हड़कंप। हमीरपुर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, हादसे में पिता बेटे की दर्दनाक मौत, डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चमोली में आत्मा परियोजना के तहत कार्यशाला का आयोजन, महिला समूहों को दिया गया प्रशिक्षण। हरिद्वार में संविधान बचाओ देश बचाओ का आयोजन, मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत। नरेंद्र नगर में कांग्रेसियों ने किया गोष्ठी का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता। कांग्रेस के चार अध्यक्ष अपनी सीट पर उलझे, कार्यकारी अध्यक्ष खुद चुनाव तैयारी में जुटे। सलमान खुर्शीद के कार्टेज पर आगजनी मामले में अहम मोड़, भाजपा नेता पहुंचे हाईकोर्ट। उत्तराखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना ग्राफ, एफआरआई में पर्यटकों और आमजन की एंट्री एक हफ्ते तक बंद, 10 आईएफएस मिले पॉजिटिव। हरिद्वार के अथल गांव में गुलदान के घुसने का अफरा तफरी, बमुश्किल एक कमरे में किया गया, देखने को उमड़ी भीड़। हरिद्वार में हरियाणा के 3 यात्रियों ने पार्किंग कर्मचारी को पीटा, पिस्टल और चाकू समेत गिरफ्तार। बुजुर्गों और महिलाओं को ठगने वाले दो भाई गिरफ्तार, झारखंड से ऋषिकेश आकर दिया था घटनाओं को अंजाम। रायवाले में मालगाड़ी की चपेट में आने से शिशु हाथी की मौत, मोतीचूर से कांसरों तक बेहद संवेदनशील है क्षेत्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, ऐतिहासिक होगी दून में पीएम मोदी की रैली। हल्द्वानी में हाफ मैराथन के लिए उमड़ा युवाओं का हुजूम, सुबह 6 बजे से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। कोरोना जांच घोटाले के आरोपियों को नहीं मिली राहत, अब 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। यूपी के हाथ उत्तराखंड बेचकर आए सीएम धामी, मुफ्त की सियासत पर बोले कोठीवाल। दिव्यांग बच्चे से कुकर्म की कोशिश के दोषी को पॉस्को एक्ट ने कोर्ट ने दिया 7 साल का कठोर कारावास। वैक्सीन के प्रभाव को भी खत्म कर देता है ओमिक्रॉन स्ट्रेन, कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। विश्व व्यापार निकाय का प्रमुख सम्मेलन नए कोविड स्ट्रेन से बढ़ती चिंताओं के बीच स्थगित।
सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान समेत 6 देशों से हटाया प्रतिबंध, यात्रियों को मिलेगा सीधा प्रवेश। चीन की धमकी के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति से मिला अमेरिकी सांसदों का दल। चीन में कोरोना ने फिर पसारा अपना पैर, शंघाई में बंद करने पड़े स्कूल, बीजिंग मैराथन रद्द। तालिबान की क्रूरता झेल चुकी हरी आंखों वाली अफगानी लड़की को इस देश में मिली पनाह। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप, भूकंप के बाद जानमाल के किसी को नहीं हुआ है कोई नुकसान। पेरू में 800 साल पुरानी मम्मी की खोज, पास में रखे हुए थे सब्जियां और औजार। लीबिया में तानाशाह गद्दाफी के खिलाफ बेटे सैफ अल इस्लाम को लगा झटका, राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार। अमेरिकी शख्स ने बेटे के साथ बादशाह के गाने पर जमकर लगाए ठुमके, देखते ही देखते वायरल हो गया वीडियो। राकेश झुनझुनवाला की कंपनी में हिस्सेदारी लेने का मौका, इस हफ्ते खुलेंगे 2 आईपीओ। एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक पर सरकार ने जारी की चेतावनी। भारतीय शेयर बाजार के बाद अमेरिकी बाजार में धड़ाम, नए कोरोना वेरिएंट की दहशत। महंगे टमाटर से 2 महीने तक आम आदमी को नहीं मिलेगी राहत। बिहार, झारखंड और यूपी देश के सबसे गरीब राज्य, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। प्राइवेट बैंकों में बढ़ेगी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, रिजर्व बैंक ने मंजूर की सिफारिश। मारुति सुजुकी का बड़ा ऐलान, अब नहीं बनाएंगे डीजल कारें। सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी में सरकार, बैंकिंग कानून में होंगे संशोधन। आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक पर ठोका 1 करोड़ रुपए का मोटा जुर्माना। देश के खजाने में इजाफा, 640 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। कुणाल पांड्या ने बड़ौदा की कप्तानी छोड़ी, मुश्ताक अली ट्रॉफी में हुआ था टीम का बुरा हाल। अश्विन ने दिलाई भारत को पहली सफलता, यंग रन बनाकर हुए आउट। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इजबामुल हक बोले, पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत डर गया था।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, वर्ल्ड कप के चैंपियन गेंदबाज पटरी से उतरे। संजू सैमसन को रिटेन करेगी राजस्थान रॉयल, शेष स्थानों के लिए खिलाड़ियों के नामों पर अभी भी की जा रही है चर्चा। विराट कोहली ने 26/11 के आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले यह दिन कभी नहीं भुला सकते। कपिल देव ने कहा क्या हार्दिक पांड्या को अब ऑलराउंडर कहेंगे, आर अश्विन को बताया बेस्ट। आईपीएल में कई टीम खोज रही कप्तान, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शिखर धवन रेस में शामिल। रोहित शर्मा का नागिन डांस वीडियो हुआ वायरल, श्रेयस अय्यर के साथ दिखाए कमाल के स्टेप्स। विराट कोहली को पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने बताया युग का बेस्ट बल्लेबाज। राखी सावंत ने शो में किया पति रितेश का स्वागत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शहजादा के सेट से लीक हुआ कार्तिक आर्यन का लुक, कार्तिक का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। महेश बाबू की बेटी ने डीजे स्नेक के गाने पर सलीना गोमजे की तरह किया डांस, वायरल हुआ वीडियो। नेहा शर्मा ने अब क्लब में मचाया तहलका, फैंस के बीच टेबल पर खड़े होकर किया जोरदार डांस। अनुपमा की समधन राखी दवे ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोली दुआओं में याद रखना। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रिकॉर्डिंग, मौत से पहले रैप सॉन्ग रिकॉर्ड कर गए थे सिद्धार्थ शुक्ला, फैमिली उनके बर्थडे पर रिलीज करेगी। अनिल कपूर जर्मनी में करवा रहे अपना इलाज, ट्रीटमेंट की बात सुन फैंस हुए परेशान, इस बीमारी से हैं पीड़ित। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 9 दिसंबर को लेंगे साथ फेरे, हिंदू रीति रिवाज से होगी शादी। श्रद्धा कपूर घरेलू हिंसा पर बात करते समय हुई इमोशनल, महिलाओं को लेकर कही खास बात। शादी की खबरों के बीच कैटरीना कैफ ने फैंस को दिया तोहफा, सामने आई फोन बूथ की रिलीज डेट। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।